इम्तियाज़ अहमद, अपने YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन की पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम इस पोयम के बारे में जानें। इस कविता का शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव जो है, इस शब्द के माध्यम से पोएट जो है अपनी बिलवेड को एड्रेस कर रहा है। कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है और जॉन डॉन की पत्नी का नाम अन्ने मोर है। जॉन डॉन अपनी पत्नी को स्वीटेस्ट लव कह करके एड्रेस करता है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरतम प्यार मैं नहीं जा रहा हूँ। ये रहा इस कविता का शीर्षक। अब हम थोड़ी सी चर्चा जॉन डॉन के बारे में कर लें। जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था। 1572 में इनका जन्म हुआ था और डेथ 1631 में हुआ था, 1631 ईस्वी में। इन्होंने लंदन इंग्लैंड में जन्म लिया था। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानें। जॉन डॉन इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोयम। जॉन डॉन पायनियर हैं। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, जनक, सबसे पहले वाला। जॉन डॉन अग्रणी हैं, पायनियर हैं ऑफ मेटाफिजिकल पोयम। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। अध्यात्म एक प्रक्रिया है चिंतन का, जिसके अंतर्गत हम लोग दार्शनिक विचारधारा को सोचते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत हम ईश्वर आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। कहने का मतलब कि जॉन डॉन इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोयम। जॉन डॉन आध्यात्मिक कविता के जनक हैं। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इंटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म लंदन में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इंटू ए प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, खुशहाल, एक समृद्ध परिवार में। कौन सा परिवार? रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ईसाई धर्म के दो ब्रांचेज हैं ख़ास तौर से, एक होता है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था। फैमिली कैसी थी? प्रॉस्परस थी। और इस समृद्ध परिवार में जॉन डॉन ने लंदन में जन्म लिया था। एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। उस समय इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक विरोधी, यानी कि उस समय इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट था। प्रोटेस्टेंट को मानने वाले अधिक लोग थे और सारा इंग्लैंड
कैथोलिक शाखा का विरोधी था। ड्यू टू द रिलीजन जॉन वाज फोर्स्ड टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। धर्म के कारण जॉन वाज फोर्स्ड जॉन पर दबाव डाला गया टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ने के लिए विदाउट अ डिग्री बिना डिग्री के। अर्थात धर्म के कारण मजहब की वजह से जॉन डॉन को बिना डिग्री हासिल किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, दबाव डाला गया, मजबूर किया गया। इसके बाद ही लॉस्ट हिज जॉब, एक नौकरी मिली लेकिन वह नौकरी जाती रही। ही लॉस्ट हिज जॉब, उन्होंने अपना नौकरी गंवा दिया। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन, जब ब्रीफली संक्षिप्त थोड़े से अरसे के लिए उनको कैद में भेजा गया। किस लिए? फॉर सीक्रेटली मैरिंग, चुपके से विवाह करने के लिए। किसके साथ? हिज पैट्रॉन्स नीस, पैट्रॉन का मतलब होता है आश्रयदाता। उनका जो आश्रयदाता था उसकी भतीजी से चुपके से विवाह करने के जुर्म में उनको थोड़े से अरसे के लिए जेल भेजा गया। नतीजतन उनकी नौकरी चली गई। जॉन डॉन इज वेल नोन, वेल नोन अच्छी तरह जाना जाने वाला, यानी कि प्रसिद्ध। डॉन इज वेल नोन, डॉन प्रसिद्ध हैं। फॉर हिज सॉन्ग्स, अपने गीतों के लिए। सोनेट्स, सोनेट्स जो होता है ये 14 की कविता होता है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, डॉन प्रसिद्ध हैं अपने गीतों के लिए। सोनेट्स, सोनेट्स जो होता है ये 14 पंक्तियों की कविता होता है। सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। सटायर, व्यंग के लिए। एलिजी, शोक गीत के लिए। एंड सरमंस, और प्रवचन के लिए। जॉन डन जो हैं अपने गीतों, सोनेट्स, व्यंग, शोक गीत और प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये रहा ऑथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आइए कविता की ओर चलते हैं। पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम ये समझें कि इस कविता में हमें पढ़ना क्या है। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज टेकन फ्रॉम हिज क्रिएशन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की रचना सॉन्ग्स एंड सोनेट से लिया गया है। इट इज अ लव पोयम, यह एक प्रेम कविता है। इन दिस पोयम द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, इस कविता में कवि यात्रा पर जा रहा है। हिज वाइफ हेजिटेट्स, उसकी पत्नी हिचकिचाती है। ही कंसोल्स हर, वह उसे सांत्वना देता है। डैट ही विल रिटर्न सून, कि वह शीघ्र लौट आएगा। ही मेक्स हर अंडरस्टैंड डैट द डेथ टू कैन नॉट पार्ट द लवर्स, वह उसे समझाता है कि मौत भी प्रेमियों को जुदा नहीं कर सकती। मौत भी दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं कर सकती। ये इस कविता का सारांश है। अब सीधे सीधे हम पोयम को पढ़ते हैं। आइए कविता को शुरू करते हैं। टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कवि जो है अपनी पत्नी को, अन्य मोर को एड्रेस कर रहा है। स्वीटेस्ट लव,
मधुरतम प्यार, सबसे प्यारा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। इस पंक्ति में वियरीनेस का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग, थकना, और दी का मतलब होता है तुम। ये ओल्ड इंग्लिश में हम लोग दी यानी कि तुम या तू लिखते थे, मॉडर्न इंग्लिश में अब हम इसके लिए यू यूज करते हैं, वाई ओ यू, यू। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, इसका मतलब हुआ कवि कह रहा है कि मधुरतम प्यार, मैं तुमसे ऊब कर, तुमसे थक कर, तुमसे उकता कर नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो, कि यह दुनिया दे सकती है अ फिटर लव, फिट, फिटर, फिटेस्ट, कंपेरेटिव फॉर्म है, अ फिटर लव, एक अधिक अच्छा प्यार, फॉर मी, मुझे, नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि यह दुनिया मुझे तुमसे अच्छा प्यार दे सकती है, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि मुझे अंत में मर जाना है, दिस बेस्ट, तो यह अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपना प्रयोग जेस्ट में करूँ। जेस्ट का मतलब होता है मजाक, यानी कि अपना जीवन आनंद के साथ, खुशी खुशी के साथ, बिना गम के गुजारूं। दस बाई फेंड डेथ टू डाई, चूंकि मुझे एक दिन मरना है, इसलिए हम लोग मरने का सवांग करें, मरने का नाटक करें, ताकि तुम अभ्यस्त हो जाओ, मैं अभ्यस्त हो जाऊं, इसलिए कि चूंकि मुझे एक दिन मरना है, और मरने के बाद तुम अकेली रह जाओगी तो तुम्हें कष्ट होगा, उस कष्ट को झेलने के लिए हम लोग मरने का नाटक करें, ताकि जिस दिन मैं मरूं उसके बाद तुम्हें अधिक कष्ट नहीं हो। ठीक है, ये रहा आपका पहला स्टेंजा। आओ अब दूसरे स्टेंजे की ओर चलते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, एस्टर नाइट का मतलब पिछली रात, द सन, ये जॉन डॉन की स्टाइल है, ओल्ड इंग्लिश में लिया गया है। आजकल हम सन यानी के सूरज एस यू एन लिखते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात सूरज यहाँ से चला गया था, एंड इट इज हेयर टुडे, और वह आज फिर यहाँ है। देखिए किस तरह से अपनी पत्नी को सेटिस्फाई करना चाह रहा है ताकि उसकी पत्नी घबराए नहीं, कंपैरिजन कर रहा है अपने यात्रा का सूरज से, और कह रहा है कि पिछली रात सूरज यहाँ से चला गया था और जा करके वह फिर आज आ गया है, वह सूरज आ गया है जो ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। ही का प्रयोग सूरज के लिए किया गया है, हालांकि ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है, आदमी के लिए यूज होता है, लेकिन जॉन डॉन ने इसका प्रयोग सूरज के लिए किया है। कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर, हैथ ये ओल्ड इंग्लिश है, आजकल हम लोग इसके लिए हैज लिखते हैं। ही हैथ नो डिजायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, डिजायर तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, नॉर सेंस ना उसे समझ है, सूरज के पास ना कोई इच्छा है ना कोई समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, नहीं उसका सफर छोटा है, बहुत लंबा सफर तय करके सूरज आज फिर पलट आया है, मेरा तो सफर बहुत छोटा है सूरज की तुलना में, मैं जाकर क्यों नहीं लौटूंगा, जब सूरज जिसके पास ना इच्छा है ना सोच है ना समझ है, वह लंबी यात्रा करके चला आया और मेरा तो सफर छोटा है, मैं क्यों नहीं लौटूंगा, देन फियर नॉट विद मी, तब तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, मैं जाऊंगा और जा करके आ जाऊंगा, बट बिलीव,
डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज। लेकिन विश्वास रखो, ये बिलीव ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बी ई एल आई ई भी लिखते हैं, विश्वास करना। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तीव्रतर यात्राएं करूंगा, सूरज की तुलना में अधिक तेज यात्राएं करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, जैसे कि मुझे बहुत सारे पंख लग गए हों। विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। एन स्पर्श देन ही, और वे सारे पंख मुझे प्रेरित कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द जाऊंगा और बहुत जल्द आ जाऊंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत। ये स्टेंजा बहुत जबरदस्त है। ओ हाउ फीवल इज मैन्स पावर, हाउ फीवल, ये फीवल जो है, फीवल का मतलब होता है कमजोर। मैन, मैन का मॉडर्न इंग्लिश में प्लुरल होता है मेन, एम ई एन, लेकिन जॉन डॉन ने एस लेकर के प्लुरल बनाया है। कहते हैं को ओ हाउ फीवल इज मैन्स पावर, इंसान की शक्ति, मानव की शक्ति कितनी निर्बल है, कितनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, डैट इफ गुड फॉर्चून, कि अगर भाग्य अच्छा है, तकदीर अच्छी है, तो भी फॉल, वो भी पतन हो जाता है, यानी कि अच्छी तकदीर भी बुरे तकदीर में बदल जाती है, और जब अच्छी तकदीर बुरे में बदलती है तो उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है, वह टाइम आगे और पीछे नहीं हो सकता। कैन नॉट एड अनदर आवर, जब बुरा समय शुरू होना है तो ठीक नियत समय पर होगा, ऐसा नहीं कि हम अच्छे समय का एक घंटा और बढ़ा लें और जोड़ लें। कैन नॉट एड अनदर आवर, हम दूसरा घंटा नहीं जोड़ सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं हम खोया हुआ समय रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल का मतलब पुनः बुलाना, पुनः आवाज़ देना, यानी कि अच्छे भाग्य में हम न एक घंटा और बढ़ा सकते हैं, न ही खोया हुआ लम्हा पा सकते हैं, बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा समय आता है, और जब बुरा समय आता है तो हम क्या करते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट, हम उससे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, वी ज्वाइन टू इट, हम इससे जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, आवर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति से, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, यानी कि जब बुरा समय आता है तो हम अपनी पूरी दक्षता से, पूरे शक्ति से, पूरे बल के साथ उस बुरे समय से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम अपनी कला उस बुरे समय को सिखाते हैं और बुरे समय की लेंथ को, लंबाई को माप देते हैं, अर्थात ये तय करते हैं कि बुरा समय जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और ऐसा हमें एडवांस में मिला होता है, यानी कि जब बुरा समय आता है तो हम पूरी दक्षता के साथ, पूरी क्षमता के साथ उस बुरे समय से लड़ जाते हैं, यानी कि उस बुरे समय का सामना करते हैं। अगर मैं सफ़र पर जा रहा हूँ तो ये समय थोड़े दिनों के लिए हमारे लिए बुरा है, तो हम अपनी पूरी दक्षता से इस बुरे समय का सामना करें, हमें सफ़र पर निकलने दो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेंजा में कवि जो है अपने गहरे प्रेम को दर्शाता है, कहता है कि वेन दाउ साइस्ट, दाउ का मतलब होता है तुम, वेन दाउ साइस्ट, ये साइस्ट जो है मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग साई लिखते हैं, साई का मतलब आह भरना, कराहना, रोना। वेन दाउ साइस्ट, जब तुम आह भरती हो,
कराहती हो, रोती हो, दाऊ साइस्ट नॉट विंड, तो हवा को सांस नहीं लेती हो, बल्कि बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम हवा को सांस नहीं लेती हो बल्कि मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है। कवि कहना चाहता है कि जब तुम दर्द से कराहती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जा रही है। When thou weepest unkindly kind, और जब तुम निर्मम तरीके से जोर जोर से रोती हो, my life blood doth decay, तो मेरे जीवन का रक्त जो है, रुधिर जो है, डीके हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे इतना अथाह प्यार है कि जब तुम आहें भरती हो तो मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है, और जब तुम जोर जोर से रोती हो तो मेरे जीवन का रक्त जो है वो नष्ट होने लगता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डैड thou lovest me as you say, जैसा कि तुम कहती हो तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, इफ इन thine my life thou waste, ऐसा जैसे कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, thou art the best of me, और यह तुम्हारी कला मेरे लिए सबसे अच्छी है। यानी कि कवि कहना चाहता है पत्नी से कि मैं तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हूँ, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ हूँ, ऐसा जैसा कि तुम कहती हो, और यह तुम्हारी कला मेरे लिए सबसे अच्छा। कविता की अंतिम पंक्तियाँ, अंतिम स्टैंजे में कवि क्या कहना चाहता है देखते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, डिवाइनिंग का मतलब होता है नैसर्गिक, जो ईश्वर की तरफ से मिला होता है। पत्नी से कहता है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, तुम अपने नैसर्गिक मन से फॉर थिंक मी एनी इल, कोई भी बुरी बात मत सोचो कि मेरे साथ सफर में कुछ बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, क्या होगा, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, के भाग्य जो है अपनी भूमिका निभाएगी, तकदीर अपना खेल खेलेगा, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे मन के अंदर जो भय है उसको फुलफिल कर देगा, पूरा कर देगा। बट थिंक डैट वी, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ ना, तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है, थिंक डैट वी आर बट टर्नड असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर टर्नड असाइड, करवट बदल करके सो गए हों, मेरा मुंह इस तरफ है और तुम्हारा मुंह उस तरफ है। देन हु वन अनदर कीप, वे लोग जो एक दूसरे को मन के अंदर रखते हैं, कीप ये ओल्ड इंग्लिश है, आजकल हम इसके लिए KEEP कीप लेते हैं। देन हु वन अनदर कीप, वे लोग जो एक दूसरे के मन में अलीव जीवित होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को अपने मन में रखते हैं, नेवर पार्टेड बी, उनको कभी भी पार्टेड जुदा नहीं किया जा सकता। वे लोग जो एक दूसरे के मन में बसते हैं, एक दूसरे के दिल में रहा करते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, अर्थात दो प्रेमियों को कुछ भी अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। ये रहा आपका पोयम। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।